नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से जैसे ही चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी, दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिक गई। कुछ निगाहें उम्मीद से भारत की तरफ देख रही थी और कुछ नजरें टेढ़ी निगाहों से देश को देख रही थी। इन टेढ़ी नजरों में सबसे पहले नाम आता है चीन का और फिर इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का। चीन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि वो जैसे जमीन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में भी राज करना चाहता है। चीन नहीं चाहता कि कोई और दूसरा देश ताकतवर बने, कोई दूसरा देश उसे टक्कर दे सके, इसलिए चीन ने बड़ा कदम उठाया। वो क्या कदम है, इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे। पूरी दुनिया में चांद पर जाने की होड़ लगी हुई है। रूस इस रेस से अब बाहर निकल गया है और भारत कुछ ही घंटों में कीर्तिमान रचने जा रहा है। इसी सफलता को देखकर चीन तमतमाया हुआ है और उसने अपने मिशन में तेजी ला दी है। इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि चीन की फितरत आखिर क्या है। उसकी फितरत है दूसरे देशों की जमीनों पर कब्जा करना और अब लग रहा है कि वो अंतरिक्ष में भी अपना राज करना चाहता है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ सालों में चीन स्पेस रिसर्च के मामले में एक बड़ा देश बनकर सभी के सामने उभरा है। चीन स्पेस में सुपर पावर बनकर उभरने का सपना देख रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि चीन अपने चांद के मिशन को लेकर क्या कर रहा है। बड़ा प्लेयर बना चीन। पिछले कुछ सालों से चीन स्पेस में बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। अभी हाल में अपना पर्सनल चांद और सूर्य का निर्माण किया है। अब वो चंद्रमा और अंतरिक्ष में जाकर उसके संसाधन का दोहन करना चाहता है, इसलिए उसने भारत के चंद्रयान 3 के बाद अपने मून मिशन को तेज कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति ने अपने वैज्ञानिकों से कहा है कि रहस्यमय अंतरिक्ष का पता लगाना, उद्योग को विकसित करना और चीन को अंतरिक्ष मिशन का सुपर पावर बनाना हमारा एक सपना है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने लोगों के भीतर अंतरिक्ष के लिए उत्सुकता बढ़ाने के लिए पूरे देश के दुकानों में अंतरिक्ष यात्रियों की मूर्तियां लगवा दी है। लेकिन चीन के इस स्पेस मिशन पर अमेरिका अलग सोच रखता है। हालांकि चीन अमेरिका के बीच की जो खाई है वो जग जाहिर है, लेकिन अमेरिका ने चीन को लेकर जो कहा वो सुनना चाहिए। अमेरिका का कहना है कि सच्चाई ये है कि अंतरिक्ष रेस में है और चीन चांद के संसाधन उत्पन्न स्थानों पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और उन संसाधनों का दोहन करना चाहता है। यहां ये बात जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अमेरिका भी चांद पर दोबारा इंसान को भेजने की कोशिश में जुटा है और इसलिए अमेरिका और चीन के बीच चांद को लेकर संघर्ष जारी है। चीन ने जब अपना चांग-E5 चांद पर भेजा था तो उसके जरिए चीन ने चांद पर मौजूद चट्टानों की स्टडी की थी, जिसमें हीलियम-3 के नमूने पाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि चांद पर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हीलियम का भंडार हो सकता है। चीन की चालबाजी। इस रिपोर्ट के शुरू में हमने आपको बताया था कि चीन अंतरिक्ष में अपना आधिपत्य चाहता है, इसलिए चीन चालबाजी करता है। दुनिया की सभी एजेंसी मिलकर अंतरिक्ष की स्टडी करती है। जिसके पास जो जानकारी होती है वो एक दूसरे के साथ साझा की जाती है और उस पर विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन चीन चालबाज है, वो अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करता, अपनी जानकारियों को खुद अध्ययन करने के लिए भेजता है। लगातार अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते रहे हैं जिससे ज्यादा जानकारी मिल सके और वो अकेला ही सब कुछ कर सके। यही कारण है कि चीन के लगातार रॉकेट भेजने से अंतरिक्ष में मलबा इकट्ठा हो गया है, जो सभी के लिए बड़ा खतरा है। और अब भारत के मिशन के बाद चीन बौखलाया हुआ है और अपने मिशन में और भी ज्यादा तेजी ला दी है। अब आप सुनिए पाकिस्तान के क्या हाल है, क्योंकि जो देश भीख के टुकड़ों पर पल रहा हो वो इस चंद्रयान मिशन के बाद भारत को परमाणु की बात बता रहा है। पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान इस वक्त अति उत्साहित है क्योंकि IMF ने $3 अरब का कर्ज दे दिया है, तो पाकिस्तान में खुशियों का माहौल है। लेकिन पाकिस्तान के बदहाल आवाम भी इंडिया इंडिया कर रही है। आज पाकिस्तान की आवाम बढ़ते भारत की बात कर रही है, भारत के शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही है और बात कर रही है कि एक वक्त पर बने दो देशों में कितना बड़ा डिफरेंस है, अंतर है। एक गर्त में पहुंच रहा है और दूसरा अंतरिक्ष में पहुंच रहा है। पाकिस्तान में हो रही इसी चर्चा से पाकिस्तान की सरकार हलकान में है, परेशान है कि उसके दुश्मन देश चर्चा उसी की आवाम कर रही है।
भारत के दोनों पड़ोसियों के हाल खराब हैं। भारत के इस कदम को दोनों देश पचा नहीं पा रहे। चीन अपने मिशन में तेजी ला चुका है और पाकिस्तान का पता नहीं क्या हाल है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता कि उसे पैसा मांगना है, परमाणु बनाना है या फिर अंतरिक्ष में जाना है। आप चीन पाकिस्तान की इस बौखलाहट पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।